हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन द क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो बेटा थर्मो का फर्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है? और हम थर्मो के 5-6 लेक्चर लगाने वाले हैं, आई थिंक सो, ताकि आपके अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे सर, ना। एक चीज पूछनी थी सर। मुझे लगता है मेरी थ्योरी इतनी अच्छी नहीं है इस चैप्टर में, कोई क्या बात नहीं, करूं? थ्योरी हो जाएगी, चिंता ही मत करो, ठीक है? थ्योरी ठीक हो जाएगी। यस आई एम जोनी। भाई कमल जोनी है क्या नेम? है सर, ये अजय चौहान है और ये मेरे को पता नहीं क्या ही बताना चाहता है जॉनी से। कमल के नाम से अजय चौहान आया हमारी क्लास में? सर उसके पापा का नेम अच्छा है। अच्छा अच्छा तभी मैं को मैं कह यार ये कमल की आवाज तो मेरे को अजय जैसी लग रही है। यस सर, सही है। सर अजय या अमन जैसी। हाँ, वही दोनों की सेम मिलती। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सर आज पेपर के बाद दोस्तों की शक्ल देखने में मजा आया। अरे सच, यस सर, आज पेपर था केमिस्ट्री काम का। था। देखिए भाई, इसकी वेटेज के बारे में आपको बता देता हूँ। ये 4% मैंने लिखा, एक्चुअल में ये वेटेज ना 6.6% है। वो कैसे है? इसके अंदर प्लस में मिलता है आपका जो स्टेट ऑफ मैटर है। ये वाला लेसन, स्टेट ऑफ मैटर वाला लेसन जोड़कर आपकी टोटल जो बनती है वो 6.6 बनती है, ठीक है? वरना इसकी अकेले की 4 है, लेकिन हम इसको सर अकेले इस बार स्टेट ऑफ मैटर आ रहा है भाई, मेंस में नहीं आ रहा, ठीक है? लेकिन मेंस के क्वेश्चंस आप थर्मो से अलग कैसे कर सकते हैं? पीवी इक्वल एनआरटी वाली इक्वेशन को तो छोड़, समझ गए? डायरेक्टली सर, मतलब एक एक स्टेट ऑफ मैटर में वो इक्वेशन थी ना जिसमें ए और बी थे, हाँ वो हाँ वाले क्वेश्चन अजीब होते हैं वाले क्वेश्चन। हाँ कोई बात नहीं, वो एडवांस में है, सिर्फ मेंस में नहीं है, लेकिन उसको भी अगर हम कर सके तो कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन है उसके। सर एडवांस में कुछ नहीं कटता क्या? मतलब एडवांस में कुछ सिलेबस नहीं कटता? कुछ नहीं कटा हुआ, एडवांस में सारा है। आपने पढ़ा नहीं एडवांस का सिलेबस? सर थोड़ा बढ़ा देते हैं लोग। हाँ बढ़ा रखा उन्होंने, एडवांस का सिलेबस सब कुछ है भाई। पहले वाले मेंस में कटा, जो कटा अगले साल अगर कट जाए तो कह नहीं सकते, बट इस साल तो सारा का सारा कंप्लीट है। क्लियर है? चलो भैया, अब आपके सर, सामने और अब जो इस साल इन्होंने काट दिया है जेईई सिलेबस, अब वो अगले साल भी सेम रहेगा ना? हाँ रहना तो चाहिए, ठीक है, होप सो। देखिए मेरा अंदाजा ये कहता है जेईई मेंस का सिलेबस अगर कम हुआ है तो एडवांस का भी कम हो जाएगा। नीट का कम हो चुका है, मेंस का भी कम हो चुका है, एडवांस का कम होना चाहिए था एज एक्सपेक्टेड, बट उन्होंने इस बार एडवांस को सेम रखा है। अगली बार हो सकता है कि एडवांस का सिलेबस भी कम हो जाए, ये एक्सपेक्टेड है, बट उम्मीदें मत करना आईआईटी वालों से। जो ये पेपर बनाते हैं उनका दिमाग ना कहीं और ही चलता है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है दुनियादारी में क्या चल रहा है, ठीक है? तो वो हो सकता है कि फालतू ही दे दें कुछ ना कुछ, भरोसा कुछ नहीं है, ठीक है? चलिए अभी हम पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 bar। प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। द वर्क डन, वर्क डन बताना किलो जूल के अंदर। सर ऑप्शन ए 9। हाँ कैसे सर, होगा? ए ही होगा सर, होगा? 1 लीटर से 10 लीटर में जूल में पहले कन्वर्ट करने के लिए लीटर को मीटर पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले बार मुझे को प्रेशर में। वो भी होगा, पहले मुझे ये बताइए कि कैसे होगा सर। पी इनटू सर पी डेल वी आइसोकोरिक प्रेशर के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सर पी इनटू मतलब डेल्टा वी वर्क डन का फॉर्मूला। डब्ल्यू क्या होता है? पी डेल्टा वी है ना, चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन कितना है? आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपेंड 1 लीटर से 10 लीटर, तो यानी 1 लीटर टू 10 लीटर कितना हो गया? 9। 9 लीटर मल्टीप्लाई में 1 लीटर बार। लीटर बार क्या होता है भाई? सर यूनिट होती है सर, यूनिट। अब हमें जूल में बताना है ना आंसर, किलो जूल में, तो हाँ, कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताओ लीटर बाल में कितने जूल होते हैं? सर लीटर में तो 10^-3 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और बार में 10^5 पास्कल्स इनटू पास्कल। यस सर। सर 10^5 पास्कल सर सी होगा। ठीक है ठीक है, सी 5, तो ये 10^2 आ गया। यस सर। मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड बाय 1000, देन ये क्या आ गया? जूल। तो किलो जूल कैसे निकालेंगे? यस सर। सर डिवाइड बाय 1000 जूल हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000, दो जीरो कट गए, तो 0.9। यस सर, तो आंसर 0.9 होना चाहिए। यस सर। हाँ भाई बाकी के स्टूडेंट। यस सर।
भगत जनो सबको आ गया ठीक है ठीक है लगता है क्या आपको ये वाला वर्ड अच्छा लगता है अच्छा लगता है चलो ठीक है तो देखो भाई आंसर देख लेते हैं W इक्वल P एक्सटर्नल डेल्टा V यानी के V2 माइनस V1 होगा ठीक है इसमें काफी सारी ये वाली मिस्टेक्स आती हैं इसमें ना साइन थोड़े से गड़बड़ लगा रखे होते हैं तो W इक्वल आ जाएगा V2 माइनस V1 1 बार 10 लीटर माइनस 1 लीटर इक्वल आ गया 9 लीटर बार ठीक है 1 लीटर बार में 100 जूल होते हैं ऐसा याद रख सकते हैं आप तो 9 × 100 जूल इक्वल आ गया 0.9 किलो जूल ठीक है क्लियर है सबको यस ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए द डिफरेंस बिटवीन देखो जो भी फॉर्मूला रिवाइज हो रहा है उस फॉर्मूले को पक्का कर लो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे पहले जरूर करना उसके बाद में ये क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे ठीक है जिसने नहीं किए आज जो 10 क्वेश्चन करेंगे हम 10-12 जो भी क्वेश्चन होंगे प्लस एनसीईआरटी के 20 क्वेश्चन जरूर लगाना 2-3 बार एनसीईआरटी आपके फिंगर टिप्स पे होगी ना थर्मो सर 20 तो है भी नहीं सर टोटल क्या 20 मतलब इतने 22 क्वेश्चन है सर टोटल 22 मतलब होंगे और उसमें आगे वाले जो है वो एमसीक्यू है एक दो नंबर के हां वही है सर थर्मोडायनेमिक्स में 22 ही क्वेश्चन है टोटल यस सर 22 है सर बैक एक्सरसाइज में इतने ही है बाकी अंदर में तो कुछ एग्जांपल्स और होंगे हां बस वो 9 से 10 है 25 से हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं द डिफरेंस बिटवीन एच एंड यू व्हेन एच और यू के अंदर डिफरेंस अब ये पता नहीं इन्होंने क्या लिख रहा है एच यू व्हेन द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टेन इज कैरीड आउट एट द टेंपरेचर टी इज इक्वल टू सर एक सेकंड सॉल्व डेल्टा एच इक्वल क्या होता है डेल्टा यू माइनस एनजीआरटी डेल्टा यू माइनस एनजीआरटी डेल्टा यू प्लस प्लस एनजीआरटी सॉरी कमाल कर रहे यार प्लस पी डेल्टा वी होता है तो हम इसको पीवी को एनआरटी कर सकते हैं डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी यही है यस सर ठीक है तो बताओ फिर क्या होगा डिफरेंस क्या होगा एच और यू के अंदर कंबशन 1 मोल ऑफ हेप्टेन 1 मोल लिक्विड स्टेट में है ठीक है इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर टी इक्वल टू कितना होगा बताओ भाई व्हाट विल बी द आंसर कैसे करेंगे सर पहले कंबशन की रिएक्शन लिख ले फिर उसके बाद एनजीआरटी निकालते रहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो कंबशन की रिएक्शन कौन सी लिखी जाएगी ये बता सकता है कोई मुझे ये वाली इक्वेशन लगेगी ठीक है करो इसको सभी स्टूडेंट करें इस इक्वेशन के बेस पर ऊपर फॉर्मूला लिखो हेप्टेन दिया हुआ है तो एक्स और वाई की वैल्यू तो पता ही चल गई ना बिल्कुल पता है बेटा श्योर है हेप्टेन दे रखा सर 7 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी और 8 वो हो जाएंगे H2 वाटर ठीक है ऑक्सीजन क्या सर ऑक्सीजन 11 O2 11 हो जाएगा सर ठीक है फिर अभी आरटी की वैल्यू बताओ फिर सर 4 RT भाई बाकी के बच्चों को समझ में आ रहा है क्या चार ही है सर चार ही ये सर चार आरटी दो बार दे रखा है 8 + 7 - 11 सर ये दो ऑप्शन सर 8 + 7 = 15 है 15 - 12 होगा सर सॉरी सर 11 3 होगा सर हाँ सर 3 होगा ना एक तो हेप्टेन मॉलिक्यूल भी होगा सर 3 RT हो जाएगा सर 3 RT होगा 3 RT ठीक है यस 4 RT दो बार दे रखा है ये कोई क्लरिकल मिस्टेक हुई है सर है ना सर वो हिंट दे रहा है कि यही ऑप्शन है 3 RT दो बार सर सर ये पागलपन है कोई बात नहीं कैसे निकाला मुझे ये बताइए सर एनजीआरटी है ना तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया था मोल्स में ठीक है तो वो 3 RT आ रहा था ठीक है यस
चलो मान सकते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। सर दोनों को टिक कर देते हैं जो भी मार्क्स मिले। हाँ क्या बात है, चलो देखते हैं। वो तो ये रहा भाई क्वेश्चन, डेल्टा एच इक्वल यू प्लस एनजीआरटी एनजीपीआरटी गैस। हाँ सर गैस के स्टेट्स में देखेंगे ना, पर ये तो हाँ सिर्फ गैस देखेंगे। आप लोगों ने कुछ गड़बड़ करी क्या? डेल्टा यू एन सर लिक्विड नहीं सर, अगर गैस में देखेंगे तो 4RT है सर, लिक्विड नहीं देखेंगे तो, क्योंकि हमने हेप्टेन को भी काउंट कर लिया ना सर, हेप्टेन को भी काउंट कर लिया था। एक प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है डेल्टा एन की वैल्यू, ठीक है तो 4RT आएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। एक मिनट में इसको सही कर दूं यार, प्लस में एरो प्लस में, ठीक है। अभी देखिए ये रहा ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर या लिक्विड? लिक्विड। तो भाई 7 4 11 होता है, 7 - 11 - 7 तो ये 7 4 होता है सर, इक्वल 4 आ जाएगा ना, 7 - 7 या 11 - 7। ये सॉलिड प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 4 माइनस का 4 आएगा। यस इसका मतलब हीट बाहर जा, मतलब हीट देनी पड़ेगी शायद, वो तो जो भी हो चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट फोर आरटी, ठीक है भाई समझ में आ गया, अभी ठीक हो गया ये। Yes, ये 4 रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो जब इक्वेशन में भरते हैं तो प्लस माइनस आप माइनस का 4 आरटी भर सकते हो, ठीक है क्या उसमें? अरे मुझे लग रहा है एक प्लस का एक ये माइनस का है, ये लो सर। वाह सर अब भी सही है, देखो यहाँ गैप भी बराबर हो गया, गैप भी बना हुआ है सर। समझ में आया? एक बार ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो, समझ दोबारा बताता हूँ बेटा। यहाँ पे साइंस आ नहीं रही है स्क्रीन पे, नहीं कर रहा था मैं यही सोच रहा था, मतलब आप लोग कितनी बार पलट गए भैया आप मेरे को ये बता दो। सर मैं नहीं मैं पलटा 2 बार सर, एक बार तो तब जब 3RT बोला था है ना, जब मतलब सबको काउंट कर लिया, एक बार जब फिर जब मैंने चेंज करा था है ना, और बस सर दो ही बार पलट गया है ना, बार बार पलट रहे हैं, माइनस का साइन पे भी तो पलट गए ना। नहीं सर माइनस की तरह माइनस देखा ही नहीं सर, नहीं दे रहा है ना, वो तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 7 - 11 करें, 11 - 7 मैं माइनस का 4 आएगा, फिर मेरे दिमाग में आएगी ऑप्शन में माइनस होना चाहिए, मुझे लग रहा था मैं ऑप्शन में भी गड़बड़े, दो दो बार कैसे दे रहे सर, तो फिर 3 बार पलट दो। यस रोहित बेटा सर, तो गैस क्यों नहीं होगा? ऐसा गैस क्यों नहीं होगा, गुड क्वेश्चन, ठीक है कल हम इसी बात पे बात कर रहे थे, बताओ भाई ऐसा गैस क्यों नहीं होगा, किसी ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो वो आंसर सर बाद में जो हीट मतलब उसके आसपास टेम्परेचर जो होता है ना वेपर्स के आसपास, वो तो तब मतलब 100°C होता है, लेकिन एक कांस्टेंट मतलब जिस टेम्परेचर पे है वहां पे ना वो जो लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो जाएगा H2O, मतलब जो पानी रिस जैसे जाता है कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो खैर इन्होंने टेम्परेचर दिया ही नहीं है इन उल्लुओं ने, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर हम रिएक्शन रूम टेम्परेचर जिस भी टेम्परेचर पे करवा रहे हैं उस हिसाब से वो लिक्विड होगा या गैस, वी कांट से एनीथिंग। देखो ये एक ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल समझ सकते हैं, मैं लास्ट क्वेश्चन को भी यही ट्रिकी टाइप कह रहा था, गैस हुआ तो 8 + 7 = 15 - 11 करते तब 4 आ जाता, गैस होता तो सही बात है, प्रोडक्ट को सब 15 - 11 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, लेकिन यहाँ देखो इन्होंने आंसर के अंदर भी 7 - 11 ही कर रखा और इसको लिक्विड ही मान रखा है, ठीक है। गैस में भी 4 आ रहा है सही है, वो प्लस का 4 आ रहा है या माइनस का 4 आ रहा है, अब यहाँ पर माइनस का ही है क्योंकि वाटर को लिक्विड इन्होंने मान लिया है आंसर के अकॉर्डिंग, अगर हम गैस मान ले तो प्लस का 4 आएगा, अब डिफरेंस कहाँ आएगा और ये एग्जैक्टली ये किस क्या मान रहे हैं वी कांट से, क्योंकि अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है तो आप लिक्विड या गैस कुछ नहीं मान सकते वाटर को, गिवन नहीं है क्वेश्चन में, हमें कैसे पता चलेगा कि लिक्विड मानना है कि गैस मानना, ये ऐसी ऐसी कई जगह, अब मैं बता देता हूँ इसका आंसर भी बताता हूँ, ऐसी ऐसी कई जगह पर कंफ्यूजन होती है, ठीक है, और इन कंफ्यूजन का कोई इलाज नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत होता है, मैं तो भाई उस क्वेश्चन को ही गलत मानता हूँ, कई टीचर से मेरा आर्ग्यू हुआ तो वो टीचर कहते हैं नहीं नहीं सर आप ऐसा थोड़ा आप IIT वालों से ज्यादा सोच सकते हो, मैंने कहा IIT वाले ऊपर से तो नहीं गिरे हुए, तो आप लोग इसका आंसर बता दो, क्यों हम लोग यहाँ पर अटकते हैं, जैसा आपका क्वेश्चन है वैसा मेरा क्वेश्चन भी है, मैं सीधा बोलता हूँ कि ये इन्होंने क्वेश्चन ही गलत दे रखा,
इस क्वेश्चन में क्लियर कट व्हाट इज ए क्वेश्चन, आपको आज एक क्वेश्चन की डेफिनेशन देता हूं। प्रश्न क्या होता है? प्रश्न वो होता है, द क्वेश्चन इज दैट विच हैव ओनली वन सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही मिलेगा, चाहे आप कोई भी मेथड अप्लाई करें, किसी भी डायरेक्शन से आ जाइए, उसका सॉल्यूशन एक ही मिलेगा, उसके दो सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन बन रहे हैं, उसको दो लाइन में डिवाइड हो रहा है, तो आंसर में भी दोनों का जिक्र होना चाहिए, यानी आंसर भी आपको डिप्लोमेटली वन मोर देन वन ऑप्शन में भी राइट ऐसा होना चाहिए, समझ गए? देखो आपको एक चीज बताता हूँ, आपने और 10th लेवल पर क्वेश्चन किए होंगे ना कि x की वैल्यू निकालते थे, रूट x का रूट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 करके अंडर रूट वो निकालते थे ना, d माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाय 2a करके, याद है वो इक्वेशन? यस सर। यस सर। उससे दो रूट निकलते थे अल्फा बीटा, एक की वैल्यू माइनस में आती थी, एक की वैल्यू प्लस में आती थी, पता है? हम माइनस वाली वैल्यू को छोड़ देते थे, क्यों? हम कहते थे कि किसी चीज की स्पीड, जैसे अगर हम बोट की बात कर रहे हैं कि कोई बोट है और वो डाउन द फ्लो आ रही है ना, तो हम क्या करते थे कि बोट की स्पीड माइनस नहीं हो सकती, वो फ्लो के साथ तो बढ़ेगी, ये हमें प्योरली पता होता है, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देते थे, लीव कर देते थे, वैल्यू रखते थे, है ना, यानी हमें कन्फर्म था। यहाँ पर कन्फर्म ही नहीं है क्योंकि टेम्परेचर भी नहीं दे रखा, तो कैसे कन्फर्म कर दें कि वाटर लिक्विड है कि गैस है? यानी इसमें क्वेश्चन में इन्होंने एक लूप छोड़ दिया, सिंपल वर्ड्स में बताऊं क्वेश्चन में लूप है, इस लूप वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे दें, क्या करें? अब जनरली ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता, जैसे अमन ने पूछ लिया बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जनरली, और मैंने कल आप लोगों से पूछा था भाई आप लोग क्यों इसको लिक्विड कह रहे हो, क्यों गैस नहीं कह रहे, है ना, तो मैंने बताया था वहां पर टेम्परेचर का झोल झाल होता है, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं दिया इन्होंने, अब क्या करें, तो इसे लिक्विड क्यों माने, इसे गैस क्यों माने, कुछ भी नहीं कह सकते ना, गैस ना लिक्विड। बट देखो इसके अब दो दो आंसर बनते, या तो प्लस का फोर आएगा या माइनस का फोर आएगा, सही है, दोनों सही है ना सर, तो ये हो सकता दोनों है ना कि है। इन्होंने सारे जो कंपाउंड लिया उनके स्टैंडर्ड स्टेट में लिया थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, तो H2O के स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड होते हैं, इसलिए शायद इन्होंने लिक्विड में लिया हो सकता है, ये भी मान सकते हैं कि अगर हम सबको स्टैंडर्ड में माने, बाकी की स्टेट स्टैंडर्ड है, अगर ऐसा सोच लें तो फिर इसको लिक्विड ही मानेंगे, फिर हर बार इसको लिक्विड मानेंगे, जब भी आएगा हर बार, तो जब आप काफी सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, तब आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि अगर कुछ नहीं दिया तो वाटर को लिक्विड मानिए, अगर दिया है तो उसको गैस मानिए, समझ गए? ऐसे करके कुछ चीजें क्लैरिफाई होती हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पूछने वाले के माइंड को सेट करना होता है। इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ, आप लोगों ने जो IAS ऑफिसर की तैयारी करते हैं, तो एक मतलब आजकल ऑनलाइन कोचिंग होती है, एक फ्रेंड है तो उसने मुझे कुछ चीजें बताई थी, वो कोचिंग ले रहा था, तो उसने बोला, कहता हमें ना मतलब इंटरव्यू के टाइम पे ये सिखाया जाता है कि आप सामने वाला जो बैठा है ना, आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर दीजिए, आंसर सही या गलत नहीं देना, यहाँ सही गलत का सिस्टम ही नहीं है। कहता सामने वाला जो सुनना चाहता है वो सुनाएंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, अगर वो उससे लीक से हटकर सुनाएंगे तो उसे आएगा गुस्सा, और उसे गुस्सा आएगा वो आपका आंसर गलत कर देगा, आपको नंबर नहीं देगा, आंसर गलत करे ना करे लेकिन आपको नंबर नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है, समझ गए? तो ये यानी वही बात है कि अगर क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ कि सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके मामा जी का क्या नाम है? एवरीवन नोज अबाउट दैट देयर मामा, उनके मामा का नाम सब जानते हैं ना, लेकिन अगर आपको मुझे फंसाना है ना, तो मैं पूछूंगा मेरे पापा के मामा का नाम बताओ, मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल भी लो कहीं से भी, है ना, मेरे पापा के मामा का तो घंटा नहीं पता होगा आपको, उनका तो कहीं अकाउंट भी नहीं है सोशल मीडिया पे। तो अगर मुझे आपको फंसाना है ना बेटा, तो मैं केमिस्ट्री में भी वो चीज, मैं केमिस्ट्री में भी वो चीज पूछ सकता हूँ कि हाँ भाई ये चीज बताइए, और मुझे पता है कि वो कोई नहीं बता पाएगा, और अगर मुझे नहीं फंसाना है, आपको बताना है कि भाई ये आंसर तक पहुंचे, तो मैं आपसे क्वेश्चन ही ऐसा पूछूंगा कि आप आंसर तक पहुंचो, ये डिफरेंस होता है। तो ये कभी मत सोचना कि मुझे सारी केमिस्ट्री आती है या किसी और को सारी केमिस्ट्री आती है, डेफिनेटली चेयर के इधर और उधर बैठने में फर्क हो जाता है, समझ गए? तब पता लगता है कि केमिस्ट्री किसको कितनी आती है, और कोई भी पूरे वर्ड पूरे इस चीज का नोन नहीं हो सकता, तो जिस हिसाब से इस भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से हम इसका आंसर निकालेंगे, अपनी तरफ से दिमाग लगा सकते हैं, बाद में इसका साइकोलॉजी समझेंगे कि भाई बार बार ये ऐसा दे रहा है तो इसका मतलब वाटर को लिक्विड लिया जा रहा है, तो बार बार हम उसको लिक्विड मान लेंगे, इट विल बी एज्यूम्ड नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है, समझ गए ना बेटा? यस सर। बस ये रीजन, इसलिए आपको बोला जाता है कि बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मेरे मामा को 30 मोबाइल नंबर याद है, बिल्कुल सही है, मेरे मामा के ना, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फादर्स मामा,
मेरे मामा मैंने बताया था एक दिन, इसलिए तो कह रहा हूँ कि डिफरेंस इज डिफरेंस बेटा, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। चलिए तो ये अब आपको, हाँ किसको नहीं समझ में आया था ये क्वेश्चन, समझ में नहीं आया था किसी को, है ना। दीपिका बोल रही थी, यस सर। ठीक है, देखिए क्या है बेटा, हमसे उन्होंने क्या पूछा, एच और यू का टेम्परेचर दे रखा और एच और यू का रिलेशन पूछ के उसने बोला है कि भाई आर टी की वैल्यू बताइए। तो हमें पता है कि इक्वेशन एच इक्वल यू प्लस एन जी आर टी होता है, यू प्लस डेल्टा पी डेल्टा वी होता है, पी वी को हम एन आर टी में बदल सकते हैं और एन आर टी भी ओनली गैसियस में। अब एन क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट होता है एन। तो अब मुझे पता था उसने हेप्टेन दी थी, तो मैंने नीचे हेप्टेन का फॉर्मूला लिखा C7H16, O2 के साथ कंबशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हो अगर आपको आती है तो। नहीं आती बैलेंसिंग, तो देखो भाई ऊपर बैलेंसिंग वाली इक्वेशन लिख रखी है, उस इक्वेशन को हमेशा याद रखना, वैसे हम इसकी काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको ये याद होनी चाहिए, है ना। जिससे डायरेक्ट पता लग गया एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, मुझे पता प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल ओनली गैसियस स्टेट, तो 7 माइनस 11 माइनस का 4 आ गया, तो एन आर टी की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ इसके अंदर, तो भाई एन की वैल्यू मुझे पता है, आर टी की वैल्यू आ गई, आर टी तो आर टी रहेगा, माइनस 4 आर टी आ गया। समझ में आ गया बेटा? यस। अब ये प्लस का 4 क्यों नहीं आ रहा है, प्लस का 4 हो सकता था अगर वाटर लिक्विड की जगह गैस होता, तो इसी बात पर सारी कहानी चल रही थी, वो तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ठीक है, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये क्वेश्चन अब आपके सामने क्लियर है भाई, है ना। ठीक है, मैं इसको, बाकी सब तो ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर इफ, सभी टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है इफ। सर ये तो इन्हें पता, शांति रखो शांति रखो, हम इस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। देखो भाई ये ऐसे क्वेश्चंस मुझे बड़े पसंद आते हैं, खैर इसमें ना जगलिंग डबल हो जाती है, एक तो आपको आंसर निकालना है और एक आपको क्वेश्चन को करेक्ट करते हुए आंसर निकालना है, बहुत मजेदार बात होगी, है ना। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि सभी टेम्परेचर पर क्या होगा, एच और एस जीरो होगा, है ना, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी सभी टेम्परेचर पर, एच और एस जीरो होगा। तो सबसे पहले आपको स्पॉन्टेनिटी के लिए एक इक्वेशन पता है, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा एच माइनस डेल्टा डेल्टा, ठीक है ये होता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव कब कब नेगेटिव हो सकती है, तो वो बोल रहा है सभी टेम्परेचर्स पर ये क्या होनी चाहिए, तो ये टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ, अब ध्यान दे लेना डेल्टा एस डेल्टा एच, तो ये ओवरऑल नेगेटिव बनेगा और हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएगी भाई, हाई टेम्परेचर नेगेटिव की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियस है माइनस आ जाएगी हाई टेम्परेचर। बट अगर डेल्टा एच ये बहुत ज्यादा हुआ पॉजिटिव में, पॉजिटिव कब होती है एनर्जी, जब हम देते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ना एंडोथर्मिक, अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना, लेकिन टेम्परेचर लो है, तो ये टोटल टर्म छोटी हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू आएगी पॉजिटिव, समझ गए। तो इस तरह से आप भावनाएं समझ गए होंगे, तो अब आपको दिमाग लगाना है कि सर एच छोटा है एस बड़ा, सर डेल्टा एच नेगेटिव कर देते हैं डेल्टा एस पॉजिटिव कर देते हैं। यस सर, यस सर, सुनिए ठीक है मैं दोबारा से बताता हूं, या फिर इसको एच को जीरो के बराबर भी रख सकते हैं सर। सुनो सुनो ठीक है अगर मुझे हर टाइम, अब मुझे क्या चाहिए, हर टेम्परेचर पर मुझे वैल्यू माइनस में ही चाहिए, मतलब मैं अगर टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर माइनस में होता है क्या, पहले तो मेरे को ये बता दो, होता है नो सर, जीरो से ऊपर होता है हमेशा, कुछ क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ में आ गई, समझ में आ गया, ठीक है। सुनिए केल्विन में टेम्परेचर कभी माइनस में होता ही नहीं, डिग्री सेल्सियस में होता है जीरो से नीचे, और हमें दिमाग में वही वहम बैठा होता है कि हाँ हाँ माइनस वन माइनस टू होता है ना टेम्परेचर, वो डिग्री सेल्सियस में होता है, और कभी भी टेम्परेचर अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में यूज करो डिग्री सेल्सियस में यूज नहीं होता, केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए यूज होता है जो कि केल्विन है, और केल्विन जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से नीचे केल्विन है ही नहीं, साइंटिस्ट मानते हैं जीरो से नीचे टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, खाली स्पेस का टेम्परेचर, मैंने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था याद है,
यस सर, उसका भी माइनस 200 के आसपास होता है बस। यस सर। क्या 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 माइनस स्पेस का भी शायद माइनस 200 के आसपास ही होता है। अरे नहीं, मैंने बोला था वो 1 और 2 केल्विन होता है स्पेस का, 1 और 2 केल्विन। सर नहीं, मतलब मैंने कहीं सुना था माइनस 200 के आसपास रहता है सर वो शायद। डिग्री माइनस 200 व्हाट केल्विन कह रहे हो सर? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस केल्विन बनाना, इसके 73 बनेंगे क्या? ये सर 73 बनेंगे। 73 केल्विन गलत है, सुनिए 1 और 2 केल्विन होता है टेम्परेचर स्पेस का, जहां कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में जहां कुछ भी नहीं है वहां भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होता है, उसका भी 0 केल्विन नहीं होता है टेम्परेचर। क्योंकि स्टार डस्ट, जब स्टार फटता है तो उसमें से डस्ट निकलती है, पार्टिकल्स निकलते हैं, गैसेस निकलती है, और वो गैसेस फैलती रहती है और हमेशा फैलती रहती है, पूरे स्पेस में फैली हुई है। बहुत कम है, बहुत ही कम, उनकी डेंसिटी बहुत ही कम है। कितनी कम? एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है कई किलोमीटर का डिफरेंस, बट देयर आर एग्जिस्टेंस ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स, वहां हैं। इसकी वजह से, उन मॉलिक्यूल की वजह से उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, इसलिए 1 और 2 केल्विन अप्रोक्सीमेट, शायद मुझे जो याद है डाटा, वो 2 केल्विन होता है स्पेस का टेम्परेचर, जहां खाली जगह, क्योंकि वो पूरी तरह से खाली नहीं है। बट अगर हम किसी जगह को पूरी तरह से खाली कर दें तो वो 0 केल्विन हो जाएगा। तो भाई सर, ब्लैक होल, ब्लैक होल खाली थोड़ा है यार, कमाल कर रहे हो। नहीं सर, मैंने कहीं सुना था उसमें शायद होता है, मतलब 0 केल्विन के आसपास। भाई मुझे इतनी फिजिक्स तो नहीं आती, अब आपकी सुनी हुई बातों का मैं आंसर नहीं दे सकता कि वो सच है कि गलत है, लेकिन मुझे इतना पता है कि स्पेस में आप बिल्कुल खाली जगह में 0 केल्विन टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पर इसका मतलब टेम्परेचर को तो आप नेगेटिव कर नहीं सकते, ठीक है, तो और ऑब्वियस है, यानी ये वाली टर्म, अब आपको अगर नेगेटिव लेके आना है, ये वाली टर्म में डेल्टा एस क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव रखो। यस, एंट्रोपी नेगेटिव होती है, पता है सबको? पता है क्या? एंट्रोपी नेगेटिव होती है, तो एंट्रोपी को हमेशा पॉजिटिव रखो, पहली बात है ना, ताकि ये टोटल टर्म रहे नेगेटिव में। अब डेल्टा एच को अगर आप नेगेटिव रखते हो तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा हर टेम्परेचर पर। डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस एच नेगेटिव, क्लियर है? तो यहाँ जो दिखा रखा भी ऑप्शन क्या हो सकते हैं, मुझे इसको करेक्ट करके दिखाओ, मैं आंसर भी लगभग लगभग दे चुका हूँ। यस यश बेटा, क्या कह रहे हो सर? गलती से हो गया सर। अच्छा ठीक है सर, इसमें अब हमें तो ये नहीं पता ना कि कौन सा सही वाला है, तो हम लोग डिसाइड कैसे करें किसको सही बना दे? अरे वो देखते हैं एक मिनट, वो भी बताएंगे, बट मुझे बताइए ये क्या हो सकता ऑप्शन। सर एक फैसिनेटिंग चीज मैंने एक बार पढ़ी थी, हीलियम कभी भी सोलिड नहीं बन सकता। गलत पढ़ा, बिल्कुल गलत। हीलियम का एक टेम्परेचर होता है, क्या बोलते, कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं उसे? क्रिटिकल, क्रिटिकल टेम्परेचर। उससे नीचे कर दो हीलियम भी वो हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसेस को लिक्विड बनाना मुश्किल होता है, बट उनके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे वो भी बन जाती है। ऐसा कोई ग्राफ आपने पढ़ा होगा, रुकिए, ऐसा कोई ग्राफ पढ़ा होगा जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम, यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाया होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम है ना, वो कभी भी, मतलब वो कभी भी उनका क्या बोलते हैं, वॉल्यूम जो है वो बढ़ता ही बढ़ता है ना, क्या होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, और इनका क्या हो रहा है, ये कभी भी डाउन नहीं होती है। प्रेशर है क्या ये? इधर प्रेशर होता है, इधर टेम्परेचर होता है, ऐसा कुछ है। ये 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऐसा कुछ दिखा रखा होता है, तो नीचे की तरफ लेके आएंगे तो उनका वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। ये वॉल्यूम है भाई, टेम्परेचर नहीं है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से ऐसा कुछ चलता है। तो इसका मतलब, यानी इन्होंने जो टेम्परेचर ले रखा है इस टेम्परेचर के हिसाब से, इसके आगे तो फिर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो कभी लिक्विड नहीं होगी, वो ऐसा नहीं है, उल्टा चलता है, उसका कोई चक्कर नहीं है। देखो भाई हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को सही कर सकते हैं। डेल्टा एच मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, जीरो से छोटा। एस मुझे 0 से बड़ा चाहिए। जीरो के बराबर भी तो रख सकते हैं एच को। हाँ, एच को 0 के बराबर भी रख सकते हैं, इक्वल भी लगा देता हूँ, लोग 0 रख देंगे तो ये एस बड़ा होगा, ठीक है बिल्कुल। और अगर एस को 0 रख सकते हैं? नो सर, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये टर्म है राइट वाली, बाकी सब के आगे कुछ भी लगा दो, इट्स योर यस, ठीक है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, दैट्स इट। देखें अब इसका आंसर, देखते हैं, वाह आंसर भी महान है, आंसर और भी डरावना है सर, आंसर भी महान लगा रखा है इन्होंने ना सर, आंसर तो डरावना है सर, जी 0 है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। जीरो करते हुए
ये दोनों जीरो है तो जीरो है, देखो एट एनी टेम्परेचर ये दोनों जीरो है तो जीरो है। अब ये पहले स्पॉन्टेनियस अब नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, सिर्फ दुश्मनी कहती फिर से स्पॉन्टेनियस हो गया। एक्चुअल में ये ग्रेटर देन इक्वल ऐसा कुछ लगा रखा होगा इन्होंने या लेस देन इक्वल, सर वही होगा है ना yes. इस वजह से ठीक है भाई, घटिया लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है बस साइन नहीं है। अब ऑप्शंस पे साइन हम नहीं प्रिडिक्ट करेंगे क्योंकि एक ऑप्शन तो हमें पता है बाकी सब तो ठीक है, समझ में आ गया, सारे ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है बेटा क्लियर है ठीक है। तो हम आंसर कर चुके हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन। अब देखो भाई यहाँ से आपको उस इक्वेशन को याद रखने के लिए चार पांच ओपिनियंस मिल गए, उसके ऊपर सोचा आपने एच इक्वल क्या होता है ना डेल्टा जी इक्वल एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो उसके ऊपर आप सोच भी सकते हैं क्या जीरो होना चाहिए क्या नहीं, दैट्स इट। वो जगलिंग थी। ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग द वर्क डन इज 10 किलो जूल, स्प्रिंग का कंप्रेशन हो रहा है, फिजिक्स आ गई इसमें, फिजिक्स में भी थर्मो होती है सच यार मैं भूल ही गया था सर होती है सर, उसमें साइन कन्वेंशन होता है सर, तभी मैंने सुना था ये 200 डिग्री वाला -200 डिग्री सेल्सियस वाला भाई, मेरे को जो मैंने देखा है वो चीज ऐसी कुछ देखी है। और एक और सर एक बार ब्लैक होल सुना था पहले भी, एक फैक्ट ब्लैक होल का तो जीरो नहीं हो सकता यार, एक फैक्ट और मैंने पहले बताया था बस आप लोगों से पूछा था बताया गया था कि कहते हैं वैक्यूम के अंदर अगर आप दो मेटल के हिस्सों को दो अलग अलग मेटल के रोड लो और उनको वैक्यूम के अंदर आप बस ऐसे जोड़ दो वो परमानेंटली जुड़ जाएंगे yes, पता yes, sir. वो वेल्डिंग से भी मजबूत हो जाएंगे जब आप उसमें नॉर्मल एनवायरमेंट में लेके आएंगे वो टूटेंगे नहीं, अब बिना वेल्डिंग के वैक्यूम में उनको जोड़ा जा सकता है सर, कोई और फोर्स ही नहीं है तो वो कैसे जुड़ जाती हैं ये मुझे जानना था, मैंने आप लोगों को बोला था रिसर्च करो कैसे जुड़ जाती हैं सर, फोर्स ही नहीं है कोई, फिर हम लोग अगर फोर्स लगाएंगे भी कोई दैट इज नॉट द रीजन। और किसी के दिमाग में आया कभी, मैंने जो क्वेश्चन पूछा कभी सोचते ही नहीं है कोई है ना, नहीं सर लेकिन वाला क्वेश्चन आपको याद सोचा था अभी याद क्वेश्चन याद नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। एक और मैंने क्वेश्चन पूछा था काइनेटिक्स के अंदर, याद है किसी को? यस सर उस पे तो बहुत सर, काइनेटिक्स आपसे नहीं पढ़ी है सर, मेरे से पढ़ी नहीं सर, उसमें ये पूछा था ना कि वो हाफ करने वाला, हां तो हम लोग मतलब इंफिनिटी तो हर जगह पर है, इंफिनिटी हर जगह पर है, हम लूप होल में फंस सकते हैं, टाइम यहां कहीं ट्रेवल करता है, यहां टाइम की ट्रेवलिंग को रोक सकते हैं हम, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, इसी के बीच में कहीं कुछ है, कैलकुलेशन भी दिखाती है ऐसा कुछ, तो इस पर थोड़ा दिमाग लगाओ, टाइम ट्रेवल करते हैं अपन लोग है ना, और IIT का पेपर क्रैक करके वापस आ जाते हैं, पेपर दे के वापस आ जाते हैं और सारा पेपर हमारे पास होगा फ्यूचर वाला है ना, लास्ट ईयर के पेपर इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे यार, 6 महीने बाद जाके इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ लाके पेपर सारा रट्टा मार के खत्म, चलो जी IIT बन गई सर यार वन सर, लेकिन शिफ्ट भी तो बहुत होगी ना सर, कोई भी टेस्ट हो वो मुन्ना भाई बन जाना, कोई भी टेस्ट आने दो अपन अपने आप कर लेगा, बस टाइम ट्रेवल ही तो करना है, कब है टेस्ट की डेट, अच्छा कल है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद जाओ टेस्ट निकालो आंसर निकालो करो दैट्स इट, क्या बात है मजा सर, आपने इन्फिनिटी बताया था, इन्फिनिटी तो तब होता है ना जब हमारे लिए कोई चीज बड़ी हो, लेकिन अगर हमसे बड़ी कोई चीज है उसके लिए तो वो बहुत छोटा होगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, खैर हम पहले ये करेंगे सर, नहीं मतलब जैसे चींटियों के लिए 10 किलोमीटर का रास्ता इनफिनाइट जितना बड़ा है और हमारे लिए वही 10 किलोमीटर चींटियों के लिए इनफिनाइट नहीं है सर, मतलब अगर अगर हम अर्थ की रेडियस की बात कर लेते हैं तो एक चींटी के लिए कह सकते हैं, यस सर एक चींटी के लिए, नोबिता पागल था टाइम मशीन होते भी फेल होता है, रोहित ने जबरदस्त बात कही थी, मजा आ गया बात सुन के, डफर है वो तो है ना वाह सर यार इमेजिनेशन है ना, देखा हमारे बच्चे बहुत दूर से सोचते हैं अरे टाइम सर, लेकिन सर लेकिन डोरेमोन उसे जानने थोड़ी देता, वो चीटिंग थोड़ी करता है, चीटिंग क्या करना है इसमें, याद किया हमने सर, जो मतलब डोरेमोन थोड़ी डोरेमोन थोड़ी देखने देता पेपर कभी भी, हां वो तो बेबी सीटर था ना, वो नाटक का हिसाब होगा, नोबिता डफर है सच में। तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग वर्क डन 10 kg ऑफ 2 kg एंड 2 kg एस्केप्ड टू द सराउंडिंग एज हीट, ठीक है क्या बोल दिया इसमें, स्प्रिंग था कोई कंप्रेस किया ठीक है, वर्क डन इज 10 kg एंड 2 kg एस्केप्ड टू द सराउंडिंग एज हीट, 2 kg हीट के थ्रू निकल गया, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू के अंदर बताना, चेंज बताओ भी डेल्टा यू का फॉर्मूला, सर यहाँ पे भी माइनस लगाना भूल गए सर, हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, डेल्टा यू का फॉर्मूला बताइए,
डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो अब क्या करें सर, साइन कन्वेंशन के साथ डाल दें दोनों सर, डाल दो सर, एक में प्लस कर दो एक में माइनस कर दो। हाँ वो तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो आंसर बताइए आप, डेल्टा यू इक्वल सर 8 आ रहा है प्लस का 8। सर एक चीज और पूछनी थी, ये इस जैसे ये वाला था इंटरनल एनर्जी का, ये थर्मोडायनेमिक्स में एक अलग फॉर्मूला बनता और फिजिक्स में एक अलग फॉर्मूला बन जाता है, ऐसा क्यों? फिजिक्स का फॉर्मूला बताना यार मुझे, मैं फिजिक्स सर क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू सर, माइनस डब्ल्यू हो जाता है सर, माइनस डब्ल्यू बन जाएगा सर, शायद कंप्रेशन और उसी चीज की वजह से। ये क्या 10 माइनस 2 करेंगे ना इसमें, यस क्या आएगा भाई? सर नहीं, वर्क डन 10, वर्क डन 10 है सर, और Q2 है, Q2 है। हां उल्टा कर दिया यार मैंने, क्या कर रहा हूं, दो बार सोच रहा हूं। 12 आना चाहिए, ये 2 है और मान लो इसको 10 कर देते हैं, डेल्टा U इक्वल माइनस 8। देखो भाई यहां 8 भी है और माइनस 8 भी है, ये जो गैप दे रखा है ना तो पॉजिटिव होगा ना, ऑन द सिस्टम हो रहा है तो। हाँ वो सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है, कंप्रेशन, कंप्रेस कर रहे हैं उसे, ऑन द सिस्टम है, पॉजिटिव आएगा डेफिनेटली, तो हीट नेगेटिव और वर्क डन पॉजिटिव, यस सर, 8 पॉजिटिव 8 आएगा, दैट इज दिस वन, दैट इज दिस वन, ठीक है, क्लियर है सर? पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आपने वो हीट सराउंडिंग को मिली, सराउंडिंग मतलब हम, हमें हीट मिल रही है नेगेटिव, वर्क डन स्प्रिंग के ऊपर किया, हमने वर्क डन किया, हमने स्प्रिंग को दबाया, हमने पॉजिटिव वर्क डन किया, ओके सर, तो वर्क डन हो गया पॉजिटिव, हम कर रहे हैं तो पॉजिटिव, हीट मिल रही है सराउंडिंग को मतलब हमें मिल रही है, हमें जो भी कुछ मिले वो नेगेटिव होता है, मेहनत से कमाओ, डायरेक्ट नहीं कमाने का, समझ में आ रही है? यस यस सर, बस फिर हो गया, फिर क्वेश्चन खत्म। हाँ क्या कह रहे थे आप, वो फिजिक्स वाला फॉर्मूला यार, मैं बीच में कभी वो सुना सर, फिजिक्स वाला क्यू बराबर यू प्लस डब्ल्यू, अच्छा उसमें है क्या, वो बकवास है वो फिजिक्स वाले ना, U प्लस W है ना, फिजिक्स वाले पता है आज भी ये मानते हैं कि अगर अपने को कुछ मिल रहा है तो पॉजिटिव है, ठीक है, केमिस्ट्री वालों ने बाद में कन्वेंशनल साइन को चेंज कर दिया था कि हमें कुछ मिल रहा है नेगेटिव, फ्री में कुछ लेने का नहीं, हम कुछ डोनेट कर रहे हैं पॉजिटिव है, ये केमिस्ट्री ने मान लिया, लेकिन फिजिक्स आज भी उन्हीं रूल पर है कि अपने को आ रहा है तो पॉजिटिव है, समझ गए? ओके सर, है ना, ये डिफरेंस है, दैट इज वाई वो उल्टे डिफरेंसेस होते हैं। तो भाई यहाँ पर 10 के जी फलाना धमकड़ा, ये क्यू इक्वल माइनस का है, डब्ल्यू जो है वो प्लस का है, और यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू होगा, तो माइनस का 2 प्लस का ये इक्वल 8, ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है, इनको सही करना पड़ रहा है यार आज हमें, वैसे तो अच्छी बात है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ द पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट पाथ फंक्शंस एज, पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ये तो बहुत आसान है सर, डब्ल्यू है, डब्ल्यू वगडन, आप लोग बताइए, मैं नहीं बताने वाला, बताइए कौन कौन से पाथ फंक्शन क्या होता है यार, पहले तो मेरे को ये बता दो सर, वहाँ साइन चेंज सर, वहाँ पे क्या साइन नहीं है क्या, क्यू और डब्ल्यू के बीच साइन नहीं है, कॉमा लगे होंगे यार, साइन सर कॉमा तो नहीं होगा सर, नहीं 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 साइन होना चाहिए, हां सर साइन है, h इक्वल डेल्टा h माइनस डेल्टा u इक्वल डेल्टा h माइनस t डेल्टा s, एक तो ये पूरा फंक्शन है, डेल्टा u कह रहा है वो, डेल्टा u, ये डेल्टा u की बात कर रहा, ठीक है, वहां मैं लिखूंगा नहीं, जी होगा ना डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, क्या डेल्टा जी उल्टा कर दिया क्या मैंने, डेल्टा एच इक्वल, हाँ सही बात है, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस, उल्टा बोल सर, डेल्टा जी होगा ये, डेल्टा जी होगा सर, ये डेल्टा जी था, डेल्टा जी होगा, ये डेल्टा जी है, यस सर, अभी तो लिखा था सर, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ ये डेल्टा जी होता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, तो देखो ये डेल्टा जी हो गया, ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया क्यू, और ये क्या है, ये दोनों तो सर प्लस होगा सर, इसमें प्लस होगा सर, प्लस हो गया, ये यू है ना, यस सर, डेल्टा यू, ठीक है, अब देखो जरा कौन सा क्या होगा, कौन सा राइट आंसर है,
सर डी तुक्का मार देते हैं, डी कर देते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल भी है, हो सकता डी, डी में बी और सी सर मल्टी करेक्ट है, फिर ए ही करेक्ट है यार, नहीं हाँ दो 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 दे रखे हैं ना, ठीक है ए ही करेक्ट है, डी ऑप्शन डी राइट है। एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होता है भाई, डेल्टा जी, यस सर यस सर डेल्टा जी, तो क्या ये क्या है, डेल्टा जी इज ए पाथ फंक्शन, ठीक है। और दूसरा Only D. ये कैसे दे रखे हैं, डी में तो बी और सी आ रहा है, बी है क्यू और सी, ठीक है बी और सी ऐसे आ रहे हैं, बताओ भाई ऑप्शन क्या डी, सबको डी लग रहा है क्या, इंटरनल एनर्जी जो है वो ठीक है, ए तो नहीं हो सकता, ए ऑप्शन मतलब ए वाला जो इन्होंने दे रखा क्यू प्लस डब्ल्यू वाला, ये तो हो ही नहीं सकता, अकेला तो अकेला क्यू, हीट जो है पाथ फंक्शन होता है, ठीक है यस सर, वर्गडन भी पाथ फंक्शन होता है, ठीक है बी और सी, और डी जो है बी सी डी ऑप्शन है कोई, सी ऑप्शन भी है बी सी डी, डी डेल्टा जी जो है वो वर्क क्या स्टेट फंक्शन होता है वो, स्टेट फंक्शन होता है, डेल्टा जी भी स्टेट फंक्शन सही है, फिर डी इज द राइट आंसर। रोहित पूछ रहा है पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या होता है, ठीक है भाई कौन एक्सप्लेन करेगा पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन के बीच में डिफरेंस, सर यशवीर, यशवीर करेगा, ठीक है यशवीर बेटा करो, सर मैं सर मेरे को क्यों फंसा दिया, जो आता नहीं है क्या, कमाल है यार आंसर, सर आता तो, सर आता तो है लेकिन मतलब एक्सप्लेन थू, सर ठीक है एक्सप्लेन कर देता हूँ, सर पाथ फंक्शन वो होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं, जैसे वर्कडन डिपेंड करता है कि हमने कौन सा पाथ लिया है, आखिर हम एनर्जी दे रहे हैं कि ले रहे हैं, और क्यू डिपेंड करता है, और जैसे क्यू, और वहीं पे स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जैसे इंटरनल एनर्जी, अब ये इस पे डिपेंड नहीं करती कि हमने कौन सा पाथ लिया है, किस तरह से इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, बस वो घटेगी तो घटेगी, बढ़ेगी तो बढ़ेगी, आखिर के एंड स्टेट पे डिपेंड करता है। सिंपल कर देता हूँ, सुनिए जरा, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस, ठीक है, मान लो कि मैं आपको बोलूं कि आपको सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के और मतलब छत पे जाना आपको, ठीक है, तो आप छत पे पहुंच गए, दैट इज द, ये आपने क्या किया, आपने मेरा वर्क डन कर दिया, ठीक है, इसको वर्क को वर्क मत लेना, सिंपल सी बात है, आपको एक टास्क दिया गया, आपने एक टास्क पूरा कर दिया, आप छत पे आ गए, छत पे आने के बाद आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है नीचे तक ग्राउंड तक, अगर मैं जंप लगाने को कहूँ तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी रहने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, सबकी पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं बदलेगी, मतलब छत पर चढ़ने के लिए जितनी पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी वो उतनी ही रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ कि भाई आप छत पर कैसे चढ़े, हाउ यू वर्क दैट, आपने वो काम कैसे किया, काम कैसे किया, उस काम के लिए कितनी एनर्जी लगाई, कोई हो सकता है रस्सी से चढ़ के आया हो, है ना, चोरों की तरह, कोई किसी स्टेयर से चढ़ के आया, कोई लिफ्ट से चढ़ के आया, कोई हो सकता है ज्यादा ही अमीर होगो के मैं तो चोपर मंगवाऊंगा भाई, मैं तो हेलीकॉप्टर से आऊंगा, सबने अलग अलग एनर्जी, पैसा थोड़ी होगा, सबने अलग अलग एनर्जी यूज की, मतलब आप सभी का वर्क डन जो एनर्जी यूज की वो अलग अलग है, बट आपका टोटल आउटकम सेम है, जब टोटल आउटकम की बात की जाती है तो उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, और जब हम बात करते हैं कि रास्ता, पाथ मतलब रास्ता, उस स्टेट फंक्शन तक पहुंचने के लिए आपने कौन सा रास्ता चूज किया, तो उसको हम बोलते हैं पाथ, तो वर्क जो है काम, कोई बच्चा ज्यादा काम कर रहा था, कोई बच्चा कम काम कर रहा था, लेकिन पोटेंशियल लास्ट रिजल्ट सबका सेम आ रहा है, तो वर्क जो होगा उसको काउंट करते हैं तो वो पाथ में आएगा, कोई कम कर सकता है, कोई ज्यादा कर सकता है, लेकिन जब हम रिजल्ट की बात करते हैं, डेल्टा जी रिजल्ट है, वो वर्क नहीं है, है ना, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, लास्ट में इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई, हम सिर्फ उसको काउंट करेंगे, कैसे बढ़ी और कैसे कम हुई, कितनी एनर्जी लगा के वो कितनी बढ़ी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे आप 1000 किलो जूल लगा के 1 जूल एनर्जी बढ़ाइए, चाहे 1,00,000 किलो जूल लगाकर 1 जूल एनर्जी बढ़ाइए, आप वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी, वो एक अलग चीज है ना, तो टोटल आउटकम हम लास्ट फाइनलाइज जो होता है उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं, और जो रास्ता होता है वो पाथ फंक्शन, तो हीट और वर्क डन जो है वो पाथ फंक्शन है, ठीक है भाई, क्लियर है, यस सर,
अपनी कंफ्यूजन में सारे ऑप्शन ही गलत बोलने वाला था। कोई बात नहीं बेटा, समझ में आ गया होगा भाई सबको, है ना। चलिए इसका आंसर देखो। तो यहाँ देखिए भाई, ये तो काफी थ्योरेटिकल है। हीट एंड वर्क रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन, ये सीधा सीधा बता रखा है, इसको रट्टा मार लो। हीट और वर्क पाथ फंक्शन होते हैं। वर्क तो पता लग ही गया होगा, कोई बच्चा काम ज्यादा करेगा कोई कम करेगा। मैं आपको बोलूं कि हीट के लिए बता देता हूं, मैं आपको बोलूं कि आपको चाय गर्म करनी है, उसका टेम्परेचर करना है 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोई बर्नर से गर्म करेगा, कोई अवन में गर्म करेगा, है ना, कर सकता है ना। कोई उसमें रोड लगा देगा, हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर से गर्म करेगा, ठीक है। सब अलग 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 तरीके से सब गर्म कर रहे हैं। तो बर्नर वाला कोई लकड़ी जला के करेगा, लकड़ी जलाएंगे तो चूल्हे में काफी सारी लकड़ी जलानी पड़ेगी, वेस्ट हो गई हीट, हीट वेस्ट हो गई, हीट तो आपने काफी ज्यादा दे दी, है ना। भले ही टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर उतना ही हुआ, तो टेम्परेचर तो डेफिनेटली क्या है, स्टेट फंक्शन है, लेकिन हीट क्या है, हीट तो कोई बच्चा कम हीट देगा, कोई ज्यादा हीट देगा, अलग अलग तरीके से आप उसको फिक्स आउट नहीं कर सकते, है ना। सभी बच्चों का अपना अपना तरीका है। तो मेथड हो गया, रास्ता हो गया, वो तो रास्ता यानी पाथ, वो पाथ फंक्शन हो गया। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? यस सर। ऑप्शन ए दैट इज क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू इंटरनल एनर्जी होता है ना, एंड ऑप्शन डी दैट इज एच माइनस टी डेल्टा एस आर स्टेट फंक्शन, ये दोनों स्टेट फंक्शन, द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन इंडिपेंडेंट टू द फलाना फलाना देवेंद्र, ठीक है भाई, दैट्स इट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ यही चीज, यही लाइन याद कर रखनी है। नेक्स्ट देखिए, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 100 केल्विन आर अलाउड टू अंडरगो रिवर्सिबल कंप्रेशन टिल इट्स टेंपरेचर बिकम 200 केल्विन इफ सीवी की वैल्यू दे रखी है यू, कैलकुलेट यू, कैलकुलेट पीवी, यू प्लस पीवी। हाँ भाई, ये इक्वल है, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे करेंगे, सीवी की वैल्यू दे रखी है। किसी को समझ आया सीवी की वैल्यू से क्या होगा? सर यहाँ पे सीवी की वैल्यू से हीट निकाल सकते हैं ना हम, कितनी हीट मिल दी है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, वहां से सीपी मिल जाएगा। देखिए चलिए मैं आपको ना इसका सीपी तो दिया ही नहीं है ना, मैं इसका इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। डेल्टा यू कैलकुलेट करना है तो डेल्टा यू जो होता है वो इक्वल होता है एन सी वी डेल्टा डेल्टा टी। ये डेल्टा यू भी होता है, डेल्टा एच भी होता है, डेल्टा क्यू भी होता है, तीनों का यही होता है, याद रखना। बस डेल्टा क्यू की बारी आएगी तो यहाँ पे सीपी आ जाएगा, इतना फर्क होता है। क्लियर है? यस यस। ये एक बहुत यूनिक फॉर्मूला, एक तो ये लगने वाला है, और पी भी इक्वल है एनआरटी, एन आर डेल्टा टी, ये भी लगेगा। दोनों फॉर्मूला यूज कीजिए, अब मुझे आंसर दीजिए। अब मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ करो भाई, डेफिनेटली। वर्क डन फिजिक्स में स्टेट फंक्शन होता है, बिल्कुल गलत है, फिजिक्स में नहीं होना चाहिए यार वर्क डन स्टेट फंक्शन। रोहित क्या कह रहा है भाई, पूछना जरा, किसी को डाउट है क्या? ये बात मुझे पहले पता, अभी पता लगी है भाई, फिजिक्स छोड़े बहुत साल हो गए मुझे नहीं याद है। सर जरूरी तो नहीं है ऐसे, मतलब जैसे अगर हम मान ले हम किसी पाथ पे जा रहे हैं, अगर हम फ्रिक्शन की वजह से वर्क कंसीडर करें तो वो तो पाथ पे डिपेंड करेगा ना कि फ्रिक्शन की वजह से कितना वर्क हुआ। बात तो सही है, मतलब पाथ पर डिपेंड करेगा तो वर्क डन। लेकिन तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से देखें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को आप मान रहे हो, लेकिन फ्रिक्शन, जैसे इसने बोला भाई, प्रणव बोल रहा है फ्रिक्शन, तो अब मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकता फिजिक्स के बारे में ना। और फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सोचे तो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है वर्क, मान तो कुछ भी लेता हूं, पता नहीं, खैर इसको पहले सॉल्व करो यार, बाद में देखते हैं। कितना आएगा CRS का? डेल्टा यू 14 किलो जूल और PV 4 किलो जूल, सब ये एक आया था, मैंने कब ये बोला? नहीं सर सी आर है, ठीक है, डेल्टा यू ये यस सर 4 किलो जूल आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। आप लोग भाई, बाकी के स्टूडेंट कैसे सॉल्व किया मुझे ये बताइए। सर वैल्यू पुट कर दी इसमें डायरेक्टली, और कुछ है नहीं, सिर्फ n 5 मोल दे रखे हैं, आइडियल गैस के नंबर ऑफ मोल्स 5 हैं, 100 केल्विन टेंपरेचर दे रखा है, अलाउड टू अंडरगो रिवर्सिबल कंप्रेसिबल 200 केल्विन, चेंज इन टेंपरेचर भी दे रखा है, सीवी की वैल्यू भी दे रखी है,
सब कुछ तो दे रखा है यार, डेल्टा यू निकल आएगा, फिर उसके बाद क्या निकालना था, पीवी निकालना था, पीवी निकालना, एन आर, डेल्टा टी, डेल्टा टी भी दे रखा है, एन और आर पता ही है, भर दो वैल्यू बस हो गया। सबका सॉल्व हुआ? यस सर, हो गया। ठीक है, फॉर्मूला याद याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा इक्वल एन सी वी डी टी। ठीक है, सीवी और सीपी क्या होते हैं ये? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, रिशु बोल रहा है सर बढ़िया क्वेश्चन करो। बेटा ये पी वाई क्यूज है, अगर आपको पी वाई क्यूज की जगह सिर्फ बढ़िया क्वेश्चन करने, एडवांस वाले तो बहुत बढ़िया होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बट ये भी तो करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी खुद कीजिए, ये वाले क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं, फिर एडवांस लेवल लास्ट है, समझ गए, उसमें सारे बढ़िया ही मिलेंगे, अच्छे वाले जिसको कहते हैं। भाई हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम यहाँ पर मेंस की तैयारी करने वाले हैं। देखो भाई, एन 5 मोल दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 200, T1 T2 दोनों दे रखे हैं टेम्परेचर्स, है ना, और सीवी की वैल्यू दे रखी है, ये डेल्टा टी होता है, यहाँ पर आ गया T2 माइनस T1, 5 मोल 28, अच्छा मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, है ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस 14 किलो जूल। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस विल इक्वल टू 4 किलो जूल, दैट्स इट। क्वेश्चन अच्छा ही है, अगर आप इसकी अप्रोच ध्यान से देखो तो आपको शुरू में तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैंने फॉर्मूला बता दिया, सीबी वाला तो नहीं लग रहा था, नीला लग रहा था। लो भाई अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसके सारे ऑप्शन भी खुद ही ठीक करोगे, अब मैं कुछ नहीं करने वाला, फिर देखते हैं आपका कितना माइंड चलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द गिवन प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस, आइडियल गैस अज्यूम नॉन एक्सपेंशन ऑफ वर्क इज जीरो, नॉन एक्सपेंशन वर्क डन को जीरो माना गया है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, क्या और W इक्वल होते हैं, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, खुद ही निशान लगाना है, खुद ही बताना है, बताओ आप सर। साइक्लिक प्रोसेस में Q प्लस W जीरो होगा, Q प्लस Q बराबर W हो जाएगा सर, मतलब माइनस W। यस सर, वही बात है, Q इक्वल माइनस W। यस यस सर, चलो ये मान लेता हूँ कि इक्वल माइनस W साइक्लिक प्रोसेस में, क्यों होता है ऐसा? डेल्टा सर, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, जीरो होता है, क्यों डेल्टा यू जीरो होता है, ऑब्वियस है, जो चीज जहां से घूम गया वहीं पे वापस आ गई, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता, इसलिए साइक्लिक होता है सर पूरा। सर अगले वाले में यू बराबर डब्ल्यू, रुक जाओ रुक जाओ यार, पहले इसको मेरे को एक्सप्लेन कर लेने दो, बाकी जो हमारी जनता बैठी है ना उन भगत जनों को फॉर्मूला भी लिख के बताना पड़ता है कि अब देख लो जरा, अगर यू को जीरो भरता हूँ तो डब्ल्यू को इधर ले आता हूँ तो माइनस आ जाएगा। हाँ भाई सबको समझ में आ गया होगा। और हीट जीरो होता है, ठीक है ठीक है, तो अब बताओ जरा इसमें क्या लगेगा, क्या सर क्यू जीरो गया तो डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा। यस सर, डेल्टा यू इक्वल डब्ल्यू, सही है ये? यस सर, बस ये लो डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यों है यार, ठीक है डेल्टा यू इक्वल डब्ल्यू, वर्क डन क्यू जीरो है, ठीक है। अरे हमें सारे सही कर रहे हैं, क्या करना क्या हमें सर, हमें पहले साइन बताने थे ना सर। हम सारी सही वाली रिप्रेजेंट करेंगे, कोई चक्कर नहीं है, गलत वाली तो छोड़ो। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें बताओ क्या होगा सर, इसमें ये डब्ल्यू मतलब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि डब्ल्यू जो होगा ना वो जीरो हो जाएगा, पी डेल वी होता है तो डेल वी जीरो है। आइसोकोर में क्या होता है सर, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, डेल्टा यू इक्वल जीरो वी सर, डब्ल्यू इक्वल जीरो, डेल्टा वी इक्वल जीरो हो गया तो ऑब्वियस है डब्ल्यू क्या होता है, पी वी इक्वल टू जीरो, P डेल्टा V होता है तो डेफिनेटली इट विल इक्वल टू जीरो, जीरो है, ठीक है ठीक है, तो वर्क डन जीरो हो गया, तो फिर क्या होगा, फर्स्ट लॉ के अंदर अप्लाई करेंगे U और Q, W बराबर, यस सर, ठीक है, डेल्टा U इक्वल Q हो गया। नेक्स्ट आइसोथर्मल में क्या होता है,
सर आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, एनसीवी डेल्टा टी अभी आपने फॉर्मूला लिखवाया था। टेम्परेचर डेल्टा टी की वैल्यू अगर जीरो होती है तो क्या, कौन सा फॉर्मूला बोला यश ने? सर एनसीवी डेल्टा टी अभी आपने लिखवाया था यू के लिए, डेल्टा यू के लिए। डेल्टा टी इक्वल इंटरनल एनर्जी, इस फॉर्मूले में डेल्टा टी की वैल्यू जीरो भर के आप जीरो कर रहे हो, ठीक है मान लेते हैं सर, लेकिन ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो, अगर मान लो वॉल्यूम छोड़ो यार, चलो एक और चीज लिख देता हूँ, डेल्टा क्यू इक्वल एन सीपी डेल्टा टी, सीपी डेल्टा टी, लो ये हो गया सर, लेकिन ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए है। और डब्ल्यू इक्वल, ठीक है तो दोनों को, अब डब्ल्यू भी क्या होता है, एन डब्ल्यू भी एन सीवी डी टी होता है ना, एन सीवी डी टी एन सीपी डी टी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वर्क डन भी होता है, क्यू यू डब्ल्यू तीनों ऐसा होते हैं। सर तीनों जीरो कर दो सर, सब जीरो छोड़ो, ऐसे नहीं है मेरी बात, यही वाला ऑप्शन, इसका एक और कॉन्सेप्ट है, चलो ये तो मैं सुन रहा था यशवीर का, इसका एक और कॉन्सेप्ट है, कोई बता सकता है टी जीरो होगा तो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है अगर डेल्टा टी जीरो हो तो। आइडियल गैस, ध्यान से लाइन सुन लेना भाई, ध्यान से सुनना, बी केयरफुल, आइडियल गैस जो है वो ओनली 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 टेम्परेचर का फंक्शन होती है, आइडियल गैस इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वर्क डन या इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस विल नॉट चेंज, वर्क डन नहीं सॉरी, ओनली इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल नॉट चेंज, याद रख लेना, आइडियल गैस ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होती है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी ही नहीं, आप प्रेशर वॉल्यूम चेंज कर रहे हो लेकिन टोटल इंटरनल एनर्जी उतनी ही रहने वाली है, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर, ये लाइन याद रखना, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिख दू क्या रहना, yes, लिख दी, आप लिख दीजिए निकाल सकते हैं, यशवीर ने ये बताई है, ठीक है यहाँ पर कभी सीवी कभी सीपी है, दोनों का अलग अलग है लेकिन ओवरऑल यहाँ जीरो भरेंगे तो दोनों जीरो हो ही जाएंगे, तो इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो अगर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो है तो ये इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया तो क्यू क्या आएगा भाई, माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, यस यस यस, तो यहाँ डेल्टा यू इक्वल जीरो एज इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, यस क्लियर है बेटा, यस ठीक है, तो ये हमने सारी इक्वेशन सही बना ली, अब इसमें सही ऑप्शन कौन सा, सारे सही हो गए अपने वाले तो हमारे सारे सही है, ऑल आर राइट, ठीक है चलो भैया इनके ऑप्शंस देख लेते हैं, फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, हीट वर्क डन है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए यू इक्वल जीरो होगा तो क्यू इक्वल माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसने बोल रखा ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, और क्यू इक्वल जीरो होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एडियाबेटिक के लिए, बी इज इनकोरेक्ट, तो B incorrect है, तो वहाँ पे minus W कर दो सर, ना minus W कर देते, ठीक है छोड़ो खैर इसको सही रहने देते हैं कोई बात नहीं, हम answers के हिसाब से दे सकते हैं, B incorrect है बस याद रख लेना, C क्या कहता है, work done zero होगा, isochoric process, volume constant होता है, तो W equal P delta V है ना, तो zero हो जाएगा, तो फिर ये V और Q equal कैसे लगा रखे हैं सर, W नहीं होना चाहिए यहाँ पे सर, U होगा वो है ना, U या W, चलो U होगा, U इक्वल वर्क डन जीरो है तो ये इक्वल क्या सीधा है ना, यस सर बस C इज करेक्ट, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आइसोथर्मल के लिए U इक्वल जीरो होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो क्यू इक्वल माइनस प्लस डब्ल्यू, प्लस डब्ल्यू कर देते सर, अरे वो करेक्ट बता रहा है उसको सर, करेक्ट है तो फिर माइनस डब्ल्यू माइनस है ना, हाँ ठीक है, तो भाई बी ऑप्शन इनकोरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं, इसने क्या पूछे थे, डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ,
कौन सा, तो यानी सिर्फ बी वाला सर, चाहिए बी वाला ही था। हाँ ठीक है, चलो भाई समझ में आ गया, अब इससे कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, नो वरी अबाउट दिस। ठीक है बेटा, देखो इसको आज रिवीजन की तरह लोगी, थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा रिवीजन वाला सा क्लास है ना, उसमें आपको थोड़ा बेटर पता भी लगेगा। फॉर सिल्वर, चांदी के लिए सीपी की वैल्यू 23 है 0.01 टी, इफ द टेम्परेचर टी, ये टी कुछ टेम्परेचर दे रखा क्या, फॉर 3 मोल ऑफ सिल्वर इज रेज फ्रॉम 300 केल्विन टू 1000 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वैल्यू ऑफ एच विल बी क्लोज टू, एच की वैल्यू निकालनी है और टेम्परेचर दे रखा, सीपी दे रखा, तो कैसे निकालोगे, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा एच क्या होता है, एनजीआरटी यू प्लस डेल्टा क्यू, क्या होता है ये, पी डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी, अरे यही होता है ये, तो डेल्टा क्यू पी क्या होता है, एन सी वी पी सर, ये तो ये भी होता है, ठीक है सर, ठीक है, है ना, ये वाला फॉर्मूला भी होता है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला लग रहा तो बताओ सर, U plus NGRT, लेकिन NGRT लगाने की जरूरत ही नहीं है, CP की वैल्यू दे रखी है, N नंबर ऑफ मोल बता रखे हैं, C मोल सिल्वर है, CP की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा T टेम्परेचर चेंज बता रखा है, H निकालना है, क्या बात कर रहे हो यार, यही तो लगे, और कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो सर, डेल्टा एच बराबर यू डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी, लेकिन उसकी लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, एनजीआरटी टेम्परेचर टी फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है सर, डेल्टा टी लगा देते हैं ना वहाँ पे, चलो डेल्टा टी लगा दिया, आर की वैल्यू ठीक है भर दोगे, डेल्टा एन एनजी की वैल्यू क्या भरोगे, सिल्वर है सर, सिल्वर की रिएक्शन लिखेंगे, ये तो सॉलिड ही रहेगा ना, और सर हमें सीवी भी तो नहीं दिया ना सर, सीवी भी तो नहीं दिया ना हमें सर, सीपी दे रखा है ना, सीपी दे रखा है यार सर, सीवी तो निकल जाएगा, सीवी सर सीवी निकालना पड़ेगा ना, सीपी माइनस सीवी से बराबर आर, सीवी क्यों निकालना है, अगर सर इस वाले फॉर्मूले से करे तो, इस वाले फॉर्मूले में सीवी निकाल के क्या करोगे आगे बताना जरा मुझे, सर डेल्टा यू निकालेंगे, डेल्टा यू निकालोगे, अच्छा वो ये वाला फॉर्मूला लगा के फिर डेल्टा यू, वाह घंटा करो बहुत सही जा रहे हो ये सही है, गलत है, सीधा फॉर्मूला यही लगेगा, आंसर निकालो अब मुझे, ठीक है सर, घुमा फिर आगे के सर, ये भी बता दो सर, 0.01 क्या दे रखा है, निकालने करो उसके बाद ये निकालेंगे ना, वही हो गया सही है, मैंने शायद शुरू में आपको ना एक कहानी सुनाई थी सर, वो सर वो इंजीनियर वाली कहानी सर सुनी है सर, सर सर याद है, याद है, याद है सर, सुनी है अभी, वही कर रहे थे हम लोग गलती से, बल्ब का वॉल्यूम निकालने वाली याद है, यस सर याद है, उसमें वो इंटीग्रेशन वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा दिया, यस सर पता नहीं क्या क्या लगा के उसका सरफेस एरिया निकालता है फिर निकालता है, इतना वॉल्यूम होगा उसका है ना सर, वो भी नहीं है, बाद में सीधा एक क्वेश्चन था, पानी में डुबो निकल जाएगा, आप लोग भी वही कर रहे हो, पहले सर ये निकाल लेंगे, सीपी से सीवी निकाल लेंगे है ना फिर डेल्टा यू निकालेंगे, फिर डेल्टा यू की वैल्यू भरेंगे, उसको जीरो भरेंगे, वैसे करके निकाल के देखना, वैसे करें सॉल्व, क्या टाइम है अपने पास, नहीं है, नहीं सर है ना, वरना उस मेथड से भी निकाल के सॉल्व करके देखना कि वो आंसर आता है क्या, उसमें एनजीआरटी की वैल्यू जीरो भर देंगे तो एच इक्वल यू हो जाएगा, एच की वैल्यू सीधा डेल्टा यू के बराबर, डेल्टा यू निकाल दो डायरेक्टली एन सीवी डीटी से, सीवी की वैल्यू निकाल लो सर, ये पूछनी है ये 0.01 दिया क्या है, मतलब टेम्परेचर चेंज तो हमें पता चल गया ना कि यहाँ पे, तो ये 0.01 क्या है यहाँ पे, और टी में भी फासला है सर थोड़ा सा, पता नहीं नीचे आंसर में देखेंगे ठीक है, इसको सही करेंगे, सारे क्वेश्चन अपने को ही सही करने हैं, ध्यान रख लेना, 0.01 इन क्वेश्चंस को सही करने में मजा बड़ा आता है वैसे, है ना, अलग चीज सीखने को मिलती है कुछ सर, बिजली वाले को तो सबने सही कर दिया था, पूरा सही हो गया था ना, वही तो चीज है, हमें कॉन्सेप्ट का अच्छी नॉलेज हो, हम क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे पास एमएससी का एक पहला बैच आया था, उस बैच के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे उनके पास ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं थे जो एमएससी में आते होते हैं, तो एक ही क्वेश्चन था बस, एक ही साल का क्वेश्चन पेपर मिला उन्हें, तो मैंने उनको क्या बोला कि ठीक है बेटा, जिस लेसन में से जहां से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी लेसन का, उसी के आसपास के जो कॉन्सेप्ट मैंने सारे करवा रखे थे आसपास का पेपर, एक बच्चे को बोला एक क्वेश्चन पेपर तू बना के लाएगा,
सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर बनाने को कह दिया, सभी ने क्वेश्चन पेपर बना दिए। बाद में बोला कि इस क्वेश्चन पेपर को अब याद करो, उसको याद किया, 5-6 पेपर हो गए हमारे पास। फिर याद करने के बाद उसी पेपर को फिर शफल कर दिया, दूसरे बच्चों को दे दिया, समझ गए। और ऐसे करके हमने काफी सारे क्वेश्चन पेपर कर लिए प्रीवियस ईयर वाले। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन बनाइए, खुद बनाइए, जब आप खुद क्वेश्चन बनाते हैं ना बड़ा मजा आता है याद रखना, और कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर क्लियर होता है, ये कुछ वैसा ही है। लेकिन 23 क्या है पता नहीं बेटा, देखते हैं रोहित। हाँ वही समझ नहीं आ रहा, चलो देखते हैं भाई आंसर में, देखते हैं 23 क्या है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस थोड़े लो भाई। ये NCVDT वही वाला फॉर्मूला लगा रखा है, NCPDT से, है ना, ठीक है। NCPDT ये ऊपर T1 T2 टेम्परेचर के सारे इंटीग्रेट तो नहीं किया कहीं वहां पे, और कुछ नहीं है उसका कोई चक्कर नहीं है। N=3 mole है, T1=300, T2=1000, CP=23, 0.01 T। सर आर भी होगा लग रहा है, सर आर है लगता है, क्या आर है सर, साथ में आर भी होगा लग रहा है, बीच में वो गैप है ना, पता नहीं देखते हैं, रुको रुको ठीक है सर, शायद ये प्लस करना चाहता हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, रुको n इनटू इंटीग्रेशन के लिए दे रखा है, ये दे रखा भाई dt cp, ये cp की वैल्यू है, इतनी ही वैल्यू है cp की सर, लेकिन ये कुछ ज्यादा अजीब वैल्यू नहीं है सर, प्लस का साइन आएगा बीच में सर, ये शायद t से फंक्शन दे रखा है, ऊपर इंटीग्रेट कर रखा है, फिर ऊपर यस सर इंटीग्रेट कर रखा है बाद में, यस सर सर ऊपर का रखा dt आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया dt को, फिर इसके प्लस में आएगा क्या, कुछ यहाँ कुछ प्लस में है क्या, क्या है ये सर, पता नहीं सर, पता हो तो सही, यहाँ पता नहीं भाई, dt की वैल्यू दे रखी है, ये dt की वैल्यू दे रखी है, ओके समझो ये dt की वैल्यू है, यहाँ पर ये dt की वैल्यू है, ऐसा कुछ मान सकते सर ये पता। अब अगर इसको dt की वैल्यू मानते हैं तो ये इतना t है, तो इसको इसने यही वैसे ही भर रखा है सर, इंटीग्रेशन में सिर्फ एक ही टी आएगा सर, फिर पता नहीं भाई आगे क्या किया, इंटीग्रेशन कर रखा है 3 × 23 + 0.01 T है, तभी वहां पे इंटीग्रेट करके 3 × 23 इंटीग्रेट करा है सर, शायद सब में प्लस है, ठीक है फिर जो भी है। अब आपको यहां क्या माइनस, क्या माइनस आएगा, और यहां माइनस, यहां प्लस होएगा सर, सर यहां प्लस, अंदर माइनस, माइनस बड़ा भयंकर तरीके से निकाल रखा है यार इन्होंने, सो यहां माइनस पूरा इंटीग्रेट किया, ये प्लस इज इक्वल, हां सर बन गई इक्वेशन, ठीक है। अरे यहां देखो यहां क्या आएगा सर, प्लस ही आएगा, अब तो पूरी इक्वेशन सॉल्व कर दी, वहां भी प्लस आएगा, ठीक है, और इधर इक्वल आएगा सर, नहीं सर आएगा तभी, ये सर इक्वल ही आएगा, यहां पे प्लस साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, इक्वल आएगा यार, नहीं तो मैं तो ऊपर वाले की कह रहा ब्रैकेट, डिब्बे के उस वाले पे ब्रैकेट में बस हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन का कुछ पंगा डाल रखा था इन्होंने और कुछ नहीं है, तो ये अब आपको समझ में आ गया, ये dt दे रखा ना ये, यस सर dt नहीं है, सिर्फ t होना चाहिए था सर वहां पे, सिर्फ t होगा, यस सर, तभी तो इंटीग्रेट किया है वहां पे, ठीक है ये लो, ठीक है भाई क्लियर है सबको, ये कुछ वैसा क्वेश्चन है सिंपल इंटीग्रेशन टाइप में। लो भाई एक अच्छा क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन के सामने, फॉर द डायटोमिक आइडियल गैस इन ए क्लोज सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द वेरियस थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस, सीपी और प्रेशर, सीवी और टेम्परेचर, यू और टी और सीवी और वी, इनके बीच में रिलेशन दे रखा है। सीवी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी होती है, तो वॉल्यूम हर जगह पर कॉन्स्टेंट दे रखा है, सीपी को टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, CP को टाइम का फंक्शन, हाँ ऐसा ही कुछ दे रखा है, ठीक है बेटा वो इंटीग्रेशन का ही मैटर था इसलिए वो थोड़ा भयंकर सा लग रहा था, अजीब सा। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों का टाइम, आपकी क्लास है अभी मैथ की, yes. मेरी क्लास है, चलो ठीक है मैं इसका आंसर डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ, CV=F/2R होता है, CP=F/2, ये इक्वेशन याद कर लेना, एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, फ्रीडम ठीक है, 2, 3
और 5 नॉर्मल टेम्परेचर्स के ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन ट्रांसलेशनल रोटेशनल प्लस वो वाली होती है, और इसी के बेस पर इसका सारा थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है। यू हैव टू रीड दिस एंड डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा ए डी ई नोट बाई डी टी दे रखा है। इस फॉर ए सेल 2 वोल्ट है और इतना वोल्ट पर केल्विन है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है कुछ कुछ, ठीक है। और लास्ट में इसने क्या पूछा, डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रखी है क्या, डेल्टा एच फॉर दिस वन। और इसको भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले को भी इस इक्वेशन से एच वाली इक्वेशन से ही सॉल्व किया हुआ है भाई, ठीक है। डू इट योर सेल्फ, इसको चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर एवरी वन। सर एक और क्वेश्चन था स्लाइड में, क्या बेटा सर एक क्वेश्चन हो सके तो सही कर देना स्लाइड में, क्वेश्चन हो गया। ठीक है ठीक है, मैं क्वेश्चन को राइट करके आपके पास भेजूंगा, नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। ओके सर, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास भाई, ठीक है। मैं क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछ सकता है ना। ये दोनों क्वेश्चन लास्ट वाले, इसको आपको खुद करना।